snails around. Okay, yeah, one bag rat found it for us. So in the monsoon season, a lot of them around. होटल में रुके थे, सो वी आर गोइंग टू धर्मकोट नाउ एंड वी केम। गुड मॉर्निंग गाइस, सो दिस विल बी द डे टू ऑफ आवर जर्नी टू धर्मशाला। नाउ वी आर गोइंग टू समथिंग कॉल्ड खरोटा व्यू पॉइंट। अभी हम धर्मशाला में हैं, तो सुबह बढ़िया है। अभी हम अपने होटल से निकल रहे हैं और यहाँ पे पार्क्ड है हमारी स्कूटी। ये धर्मशाला में हमारा होटल है। और यहाँ पे अभी बच्चे खेल रहे हैं। There are a lot of snails around, and whenever we find them, our children get very excited. What is this? It is a snail. One bag rat found it first. Okay. Snail. Okay. So in the monsoon season, a lot of them around. Beautiful shell. तो ये जो सामने वाला जो हाईवे देख रहे हैं आप, ये धर्मशाला से पालमपुर जा रहा है। और अभी हम खरोटा के लिए यहाँ से एक छोटा सा कट जाता है, वहाँ पे मुड़े हैं। हमारे जो स्कूटी है वो आगे खड़ी है और यहाँ पे हमें थोड़ी एक खेलने की जगह मिल गई। तो चिल्ड्रन सेड दे वांट टू हैव ए लिटिल बिट ऑफ ब्रेक एंड एंजॉय देमसेल्व्स। देखिए कितनी प्यारी बैकड्रॉप में बना हुआ है विद ब्यूटीफुल ट्रीज एंड ऑल। सो दिस इज़ काइंड ऑफ वैली, थोड़ी एक वाटर बॉडी भी है पास में। तो यहाँ पे थोड़ी देर खेलते हैं और फिर बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ से 2-3 किलोमीटर की स्टीप चढ़ाई है, बिल्कुल आगे व्यू पॉइंट है, तो वहाँ जा रहे हैं हम। हाँ तो भाइयों, अभी रुकना थोड़ा पड़ गया, बीच में होगी बारिश शुरू क्योंकि मौसम अभी भी मानसून का है। यहाँ पे एक शिव जी का महादेव का टेम्पल है बहुत बड़ा, इस रोड पर आगे, तो वहाँ पर हम चलेंगे। और ये यहाँ पे क्लब महिंद्रा भी एक्चुअली नीचे रोड पे है, यहाँ पे नीचे। और ये देखिए, ये फ्रूट के सारे ऑर्चर्ड्स हैं। तो अभी बारिश थोड़ी धीमी हो रही है, अभी हम जाएंगे ऊपर। तो अभी हम खरोटा व्यू पॉइंट जा रहे हैं, बारिश रुक चुकी है। ऊपर एक शिव जी का बहुत सुंदर मंदिर है, वो रास्ते में आएगा अभी 1 किलोमीटर में। नज़ारे देखिए ऊपर, क्या बढ़िया बादल लग रहे हैं। तो बारिश का ऐसा सीन है, बीच बीच में हो रही है और बीच बीच में रुक रही है। रोड बढ़िया है, वेल टार्ड रोड है।
अगंजर महादेव टेम्पल। ये पानी जो देख रहे हैं सारा सीधा झरने से आ रहा है, इसके बाद हम झरने में भी जाएंगे। ये तुलसी माता विराजमान है बीच में, अगंजर महादेव टेंपल जूना अखाड़ा का है ये। 600 वर्षों से चेतन लिखा है बाबा गंगा भारती जी का अखंड धुना, 600 वर्षों से चेतन है, 600 सालों से अंदर धुनी जल रही है भगवान भोलेनाथ की। ये देखिए पीछे का नज़ारा, पूरा वाटरफॉल है पीछे। सामने से अभी हम महादेव के दर्शन करके आए हैं। ये देखिए नीचे सुंदर झरना, ब्यूटीफुल ब्रिज। अभी हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे। ये देखिए लोगों ने अपने विशेष के लिए पिरामिड बना रखे हैं। वोरा मंदिर ऊपर इतना नीचे हम आ चुके हैं। साधना समाधि के लिए अगर ध्यान लगाना हो उसके लिए बहुत अच्छी जगह लग रही है ये। पानी देखिए बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर है, बिल्कुल क्लियर। यू कैन सी द स्टोन्स एट द बॉटम क्लियरली, ब्लू ब्लू वाटर। सो अभी हम चढ़ाई करके नोरबुलिंका मोनेस्ट्री आए हैं एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप। सम वेरी नाइस वेजिटेबल्स फॉर सैलेड, सो वेरी नाइस। सो नाउ वी विल गो टू द मोनेस्ट्री। So this is the main entrance. Very very beautiful shop. Yeah.
just you. The central chamber of the monastery, Norbulinka Monastery, and I can tell you this is the finest monastery I have ever seen in my life. Very beautiful, highly recommend it. तो ये है नोरबुलिंका मोनेस्ट्री का मेन चैम्बर. वी जस्ट बीन इनसाइड एंड इट इज़ माइंड ब्लोइंग. आई बीन टू सिक्किम ऑल्सो बट धर्मशाला माई सेकेंड और थर्ड टाइम, बट दिस इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग. आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस. एंड एनी टाइम यू आर हियर जस्ट मेक श्योर यू विजिट दिस ब्यूटिफुल मोनेस्ट्री. वेरी वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, एस्थेटिकली ग्रेट. अंदारी मोनेस्ट्री में देखे, देर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पॉन्ड फुल ऑफ फिश, टीमिंग विद फिश. इवन देर आर रेड फिश ऑल्सो. स्मॉल बम्बू ग्रोव इज देयर. एंड देयर इज ऑल्सो लॉट ऑफ फिश. ये एंट्रेंस है. और अभी हम दूसरी तरफ से आए हैं. So here we have come to the restaurant and we will try some momos here.
मैकलोडगंज मेन मार्केट में एक होटल में रुके थे 2 मिनट के लिए, और ये देखिए ये सीन है। वक्त है दोपहर के 3 बजे, नथिंग इज़ विजिबल एंड द वैली, ये देखिए फुल ऑफ क्लाउड्स एंड फॉग। देयर इज़ द मार्केट, नाउ द रेन बिगिन, वेरी वेरी हार्ड रेन बिगिन। मेन स्क्वेयर ऑफ मैकलोडगंज वी जस्ट रीच्ड इट, अगेन इट स्टार्टेड रेनिंग, सो वी डिसाइडेड टू सिट इन तिब्बत किचन। सो हियर वी हैव ऑर्डर्ड राइट नाउ 2 प्लेट्स ऑफ मोमो एंड सम पोर्क एंड सम तिब्बतन ब्रेड दैट इज कॉल्ड तिंगमो, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई। So this is Tibetan bread, steamed bread, and this was the highlight of the show because momos were of course tasty, but we had tried them so many times, but this Tibetan bread was the star of the show. Yes, that's why we want more to eat. Yeah, so twice we ordered. Uh-huh. So very very tasty. Only 30 rupees, this great delicacy. So this is main square. We were in House of Tibet. Now, Tibet Kitchen is just there in the corner, that blackboard you can see. So we were just there. And this Maklo is also a very popular restaurant. So these are the scenes from the main square. Rain has just stopped. We have parked our bike there. So we will just go there and get our bike now. And we'll go further to Dharamkot. So we are going to the Dharamkot now, and we came by this very very steep road. और अभी ये fog हट गया है तो धर्मशाला का एक बहुत ही ये sorry इसका मैकलोडगंज का बहुत ही शानदार view visible है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी बारिश हुई 2 घंटे और ये सारा देखिए sky is very clear, all the fog went away, and this is beautiful मैकलोडगंज town, very very dense, very very full of flavor. Now we will go, ये देवदार के फॉरेस्ट है और ये जैसे जैसे डेंस होता जाएगा आगे जाके हम धर्मकोट अभी पहुंचने वाले हैं। इवनिंग सीन इन धर्मकोट, ये जो है सारे कॉर्न के फील्ड्स है, कॉर्न फील्ड्स है। And you can hear this very very loud noise made by frogs. This is the Dharamkot beauty at the top of village. Dense Devdar forest. Six in the evening. This is the Dharamkot. Beautiful evenings. How you like the place, Ira? Very good. Natural.
for mountain lovers and space lovers. Yeah. Not like Pacific. Yeah, so beautiful. It looks like, you know, it's everything is hung up at the top of a mountain. Yeah, see, all this. Not very hot. Not very hot, yeah, it's very cold. Yeah, that's the best part, yeah. Because it is even higher than McLeodganj, and here are some guys from Bombay and Delhi. They're playing at the top. They have a band here. Jamal calling na?